चार दिन से अनशन पर बैठे ग्रामवासियों को नहीं मिला कोई उचित आश्वासन। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत दिदवारा का मामला सामने आया है, जहां चार दिन से अनशन पर बैठे ग्रामवासियों की मांग है कि अवैध उत्खनन और हैवी ब्लास्टिंग, रोड की समस्या, ओवरलोड हाईवा डंफर से स्कूली बच्चों की जान माल का खतरा बना रहता है। तो वहीं आज से लगभग 5 माह पूर्व खुली पड़ी खदान में 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर मृत बच्चों के पिता ने बताया कि पहाड़ संचालकों द्वारा राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ग्राम विकास के लिए खनन माफियाओं को कोई भी राशि ग्रामवासियों को नहीं मिली है। ग्रामवासियों ने बताया कि गोड़ खनिज में यह प्रावधान है कि जिस ग्राम पंचायत में उत्खनन हो रहा है उस ग्राम पंचायत में विकास कार्य के लिए खनिज विभाग और क्रेशर संचालकों द्वारा कोई राशि नहीं मिल रही है। वहीं हैवी ब्लास्टिंग की धनक से पूरा गाँव दहल रहा है, तो वहीं मुख्य सड़क पर पानी छिड़काव नहीं किया जाता है, जिससे धूल से ग्रामवासी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वहीं ग्रामवासियों ने बताया कि ब्लास्टिंग के लिए 100 फीट नीचे तक होल कर उसमें 4 इंचिंग ब्लास्टिंग सेल और ईडी भरकर ब्लास्टिंग की जाती है, जिसको लेकर आज धरने पे बैठे लोगों को एसडीएम और एसडीओपी ने समझाइश दी है। भैया आपका अच्छा, आज एसडीओपी और एसडीएम साहब आए थे, तो क्या आश्वासन दिए? एक दो तारीख तक का टाइम दो, इसके बाद कुछ निर्णय करेंगे। हमने सर से बोला कि 2 तारीख तक सर यही अनशन में बैठे, 2 तारीख के बाद आपका फैसला कर ले, हम अनशन छोड़ जाएंगे। अच्छा, आपको अभी तक लिखित में कोई ऐसा आश्वासन मिला है जिससे आप? नहीं, लिखित में हमने सर से बोला था, सब लिखित में बोले, लिखित में नहीं दे सकते अभी, ऊपर से कुछ उनकी प्रोटोकॉल होगी, अभी लिखित में नहीं है। तो अच्छा, आप लोगों की यही मांग है कि 4 इंची ब्लास्टिंग अवैध उत्खनन, 4 इंची ब्लास्टिंग होती है खासतौर से हम लोगों की। आज ग्राम पंचायत द्वारा में 4 दिन से आप लोग धरने में बैठे हुए हैं, तो क्या वजह है और किस वजह से आप लोग धरने में बैठे? हम लोग 4 इंच ब्लास्टिंग के लिए बैठे हैं और रोड यहाँ गड्ढे रोड में बहुत ज़्यादा रोड सड़क के लिए बैठे हैं और ओवरलोडिंग के लिए जो बच्ची समय पढ़ने जाती हैं वो पत्थर गिरते हैं, ओवरलोड चलाते हैं और इसके लिए बैठे हम लोग सभी ग्रामवासी। अच्छा, तो अभी एसडीएम और एसडीओपी आए थे, तो क्या आश्वासन दे गए? ये कह रहे हैं कि 1 तारीख के बाद हम मीटिंग लगाएंगे, आप लोगों सब लोगों को बुलाएंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे, तो हम ये नहीं मानेंगे, हमें तो लिखित चाहिए, आप लिखित दें हम उठ जाएंगे। और जब हमारी कोई शर्तें पूरी नहीं हो रही तो आप लोगों को लिखित नहीं दिया है? नहीं दिया, वो कह रहे नहीं उठ जाइए आप 4 तारीख को, हम मतलब वो करवा दें, तो कैसे उठ जाएं हम लोग? अच्छा, ये ऐसी हमको अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला कि आपका अनशन खत्म हो? बोले उठ जाइए, हम 4-6 दिन बाद इसकी वो करेंगे और आपको बुलाकर जितने लोग मुख्यमुख हैं उनसे बात कराएंगे। तो पिछले 4 दिनों से दिदवारा क्षेत्र में यहाँ पे कसर संचालन हो रहा है, इस मेन रोड पे यहाँ के ग्रामीण जनवासियों के द्वारा यहाँ पे अनशन किया जा रहा है। उनकी कई सारी मांगे हैं, जिसमें से मुख्य मांग ये है कि यहाँ पे 4 इंची ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि उससे उनके घर प्रभावित हो रहे हैं, साथ में आसपास के जानवरों को भी उससे पत्थरों पर चोट लग रही है और यहाँ के रहवासियों को भी उससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा उनका ये कहना है कि रोड काफ़ी ख़राब है, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में डस्ट उड़ती है और इसके अलावा इनका अगला बिंदु है कि यहाँ पे बच्चे लगातार इसी रास्ते से पढ़ने के लिए जाते हैं और उनको भी ट्रकों से एक्सीडेंट होने की संभावना काफ़ी बड़े स्तर पर बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को रोज़गार की भी समस्या है और चूँकि ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगातार खनन कार्य किया जा रहा है तो उसका विकासात्मक जो परिणाम होना चाहिए उस ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा है, पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य कुछ लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं भी थी। इन बिंदुओं के एसडीएम साहब के साथ में आज थाना प्रभारी के साथ में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना गया और शीघ्र इस विषय में निराकरण करने के लिए 1 तारीख के बाद में आश्वासन दिया गया एसडीएम साहब के साथ में कि माइनिंग सेक्टर को और साथ में यहाँ पे कृषि संचालकों को और ग्राम क्षेत्र के 4 से 5 लोगों की एक समिति जो रहेगी उसके माध्यम से यहाँ पे बैठक की जाएगी और इनकी समस्याओं पे चर्चा करते हुए उसका शीघ्र शीघ्र निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। उपल नर्सिंग होम, जहाँ आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आँखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम जहाँ के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।